थोड़ा सा तब अच्छा पानी मिला, नहीं तो बहुत गंदा पानी हो गया है, लोग कुछ भी फेंक देते हैं। 45 का हो तो कुछ सोचू ना, सोचू। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए सफर में। और ये जो सफर होने वाला है, ये जो सीरीज होने वाली है 3-4 वीडियो की पूरी धार्मिक वीडियो होने वाली है। और इसमें आप देखने वाले हैं माँ वैष्णो देवी का के सफर हमारा का सफर हमारा। एंड अभी हम लोग हैं कटरा में, मैं और मेरे 3-4 दोस्त आए हुए हैं, मोहल्ले वाले तीन दोस्त आए हुए हैं, टोटल 4 लोग हैं मतलब। और इससे पहले जब मैं पहली बार जब आया था तब मैं पन्नी भाई के साथ आया था। पन्नी भाई दुबई से आए थे ट्रैवल करते हुए, और फिर हम लोग आए थे तो एक्चुअली पन्नी भाई के साथ कुछ हो गया था हैपनिंग, वो वीडियोस में डालूंगा, वो भी अपलोड करूंगा। एक्चुअली टाइम की वजह से नहीं कर पाया मैं। और अभी हम लोग एंट्री करके खाना वाना खा के एंट्री करके आ चुके हैं आगे काफ़ी। और अभी हम लोग जा रहे हैं वो चढ़ाई करने की तरफ, मतलब हाँ चढ़ाई करने की तरफ जा रहे हैं। और अभी हमने सस्ते में खाना खाया यहाँ, कहीं पता किया परोठा खाने के लिए, परोठा 30 रुपये का एक था, तो हमने एक जगह राइस खाया। आप क्लिप देखो पहले। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं कटरा और अभी हम खा रहे हैं। सबसे पहले खाना, कुछ एनर्जी चाहिए थी तो ये लिया है, चावल दाल सोयाबीन एंड चटनी प्याज, और ये सिर्फ 30 रुपये का है। और ये बस स्टैंड पे है, और ये इस साइड का एरिया आंटी बेचते हैं। और ये भैया, तो बजट में यही था, खा के ट्राई करते हैं, खाते हैं और फिर चढ़ाई करनी है भरी धूप में। बस स्टैंड से आप अंदर आएंगे तो आपको ये पेड़ दिखेगा थोड़ी देर पैदल चलने के बाद। और इस पेड़ को कुछ माना जाता है बहुत ही, जैसा कि आप देख सकते हो बांधा हुआ है। और यहाँ से एक रास्ता अलग होता है, नीचे को जाता है, नहीं आगे जाके और रास्ता नीचे आता है, और वहाँ से एंट्री है सामने, मतलब एंट्री होने से 2 किलोमीटर पहले आपको पैदल चलना पड़ेगा सीधा। तो दोस्तों, इस वाली जगह से लाइन में आना पड़ता है साइड में, क्योंकि यहाँ फ्रिस्किंग पॉइंट है जहाँ बैग वगैरह चेक होते हैं, और बैग वगैरह चेक होते हैं वहाँ लोगों को चेक किया जाता है। कुछ जर्दा वगैरह तम्बाकू वगैरह ना लेके आए, अवॉइड करें। अगर आप लेते भी नशा वगैरह करते हैं तो ये चीज़ अवॉइड करें यहाँ पे, और क्योंकि माता के दर्शन करने आ रहे हैं तो थोड़े टाइम के लिए ये चीज़ें अवॉइड करें। और ये मेन एंट्री का गेट है, बस अड्डे से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद ये गेट मिलेगा। तो दोस्तों, ये है फ्रिस्किंग पॉइंट, यहाँ पे लगेज वगैरह का चेक होता है जैसा कि मैंने बताया, और कार्ड की चेकिंग होती है। जो आप कार्ड लेते हैं, आपको कार्ड लेना पड़ता है सबसे पहले, मैं आपको बताना भूल गया। आप यहाँ से फिजिकल भी ले सकते हैं और आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, माँ वैष्णो देवी के वेबसाइट पर मिल जाएगा आपको, और यहाँ आके भी ले सकते हैं, कुछ 5 और 10 मिनट में मिल जाता है। चेकिंग कराने के बाद दोस्तों, हम लोग ऐसे बाहर की साइड आ गए थोड़ा, और यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है असली। और ये रहा चेकिंग वाला बूथ, और यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। थोड़ा रश ज़्यादा है क्योंकि यहाँ लोग इंतज़ार में खड़े हैं अपने अपने साथी के, तो अगर आप बच्चे को कैरी नहीं कर पाएंगे तो आप बच्चे के लिए यहाँ से ये भी हायर कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, चेकिंग वेकिंग करा के आगे और थोड़ा सा आगे निकलते ही आपको मार्केट थोड़ी सी मिल जाएगी, और मार्केट वगैरह लाठी वगैरह बेच रहे फोटो तो फोटो करवाने कह रहे हैं। मैं क्या फोटो करवा करूँगा यार, मैं बच्चा थोड़ी फोटो करवाऊंगा, मुझे तो मेन फोकस मेरा वीडियो पे था। ओए उल्लू, ये देखो ये उल्लू आया है हाथ में, भागते जा रहे हैं। 5 साल प्लान बनाने के बाद आज पहली बार मेरे को लेके आया कहीं टूर पे। और ये दो जने साक्षी, एक तो मजरू और एक भाई। तो अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, रश बहुत है इसलिए आउट ऑफ फोकस हो जा रहा है। थोड़ा सा दोस्तों आगे आएंगे तो आपको यहाँ घोड़े वगैरह लाइन में मिल जाएंगे, आप ये भी हायर कर सकते हैं अपने लिए अगर आप नहीं चढ़ पा रहे हैं तो, पर मैं तो कहता हूँ आप कोशिश करें कि खुद ही चढ़ने की। दोस्तों, थोड़ी दूर चलने के बाद ही आपको मिल जाएगा स्नान घाट, आप इधर नहा सकते हैं। और ये अगर नहीं नहाना चाहते तो थोड़ा आगे बढ़ें, हम भी आगे जाके ही नहाएंगे, और आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। चलो जवानो, जय माता दी। तो दोस्तों, हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं और थोड़ा हम मस्ती में दौड़ रहे थे, पीछे धूप थी, सेट नहीं था तो इस कारण से थोड़ा थक गए। और अभी आपने देखा क्या हुआ, पानी
बोतल खाली है ले, ले, ले। तो यहाँ से लोग घोड़े वगैरह हायर करते हैं। मैं तो कहता हूँ जो केपेबल है जो सक्षम है उन्हें हायर करे, जो नहीं है उसके लिए तो ऑलवेज ओपन, बाकी आपकी मर्जी। जय माता दी। तो दोस्तों चलते चलते काफ़ी दूर चलने के बाद हम थक चुके हैं, तो हम रुके हुए हैं। ये देखो बच्चे लोग, और ये देखो बीमार पड़ने वाला आशिक, बीमार पड़ेगा अभी ठंडा ठंडा पानी पी के, गरम गरम ठंडा पानी पी रहा है गरम होके। और यार एक घोड़ों का सिस्टम ना बड़ा ख़राब है, आने जाने में बहुत दिक्कत दे रहा है, और ये अर्धकुंवारी तक रहता है, और इतना ख़राब सिस्टम ना घोड़ों का मन एंड एवरीथिंग दिक्कत देता है बहुत लोगों को आने जाने में, इतना रश हो जाता है ना घोड़ों की वजह से, कसम से। तो थोड़ी देर आगे चढ़ेंगे हम, तो ये एक प्यारा सा मंदिर मिलता है जहाँ बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाई हुई हैं, और ये है इच्छा पूर्ण माँ भागवती दर्शन गीता भवन बाण गंगा कटरा, तो यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अभी जो मंदिर आपने देखा वो मैं बाण गंगा से थोड़ा सा आगे निकल गया था, और अभी मैं बाण गंगा पे वापस आधा किलोमीटर वापस आके नहाने आया हूँ, और आप ये देख सकते हो बाण गंगा का पानी कुछ ज़्यादा साफ़ नहीं है, पता नहीं क्यों पहाड़ों से गंदा गिरा बारिश के कारण कि पता नहीं क्यों साफ़ नहीं है पानी, फिर भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, नहा रहे हैं, आए हैं तो नहा के जाना चाहिए, इसलिए बच्चे लोग इंजॉय कर रहे हैं। तो अभी मैं भी थोड़ा इंजॉय करता हूँ, नहाता हूँ और थोड़ा इंजॉय करता हूँ, लोग भी इधर इंजॉय कर रहे हैं ऊपर वाली साइड में पूरा, और अब थोड़ा हम भी इंजॉय कर लेते हैं, देन थोड़े रेस्ट मारेंगे फिर जाएंगे। काफ़ी थकान हो चुकी है इसलिए हम थोड़ा रेस्ट मार रहे हैं, एंड रेस्ट मारते हैं थोड़ी देर और फिर निकलते हैं। यार बाण गंगा का जो पानी है ना बहुत गंदा हो चुका है यार, भी खाते चलो नाम नहीं। बाण गंगा पानी है ना जो बहुत गंदा हो चुका है, ये नहीं कि बरसात के पानी की वजह से, नहीं बहुत गंदा हो चुका। हम ऊपर गए थे वहाँ दीवाले टप टप के, थोड़ा सा तब अच्छा पानी मिला, नहीं तो बहुत गंदा पानी हो गया है, लोग कुछ भी फेंक देते हैं। तो दोस्तों हम काफ़ी देर चल चुके हैं, चलने के बाद हम पहुँच चुके हैं प्रथम दर्शन चरण पादुका। तो आप आए तो यहाँ भी दर्शन करके जाए, और अभी हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये सीढ़ियाँ आने के लिए जो कि बहुत डिफिकल्ट होती है, सिंपल रास्ता ही सही होता है, और बढ़ते हम आगे की तरफ। यहाँ दर्शन हम नहीं करेंगे बिकॉज वापसी में करेंगे दर्शन, अभी थोड़ा एनर्जी आई है तो भाग के चले जाए, फिर रुक जाएंगे आलस पड़ जाएगी तो नहीं जा पाएंगे। भैया मैं बनाता हूँ, तो क्या बनाएगा आपने? बस वो बाइट एंगल पे कर रखा है मैंने, तू थाले खुद तो चल ले, तू क्या वीडियो बनाएगा मेरी? मैं बनाता हूँ। वो दोस्तों बहुत थक गए हैं, नहीं थके इतना ही बोल रहा था आगे आगे बोला नहीं जा रहा है, थकान हो गई भाई, अब की तो ज़्यादा ही हो गई है, पिछली बार तो मैं 3 घंटे में चढ़ गया था, अभी 10 बजे के निकले में 1:15 हो रहा है, तो बीच में बस नहाए हैं आधा घंटा, बस आधा घंटा से ज़्यादा 1 घंटा लगा ले, हाँ 1 घंटा फिर भी ये सवा ही हो रहा है, पिछली बार 3 घंटे में चढ़ गया था। खाली फोटो खींच ला, काफ़ी ऊपर आ चुके हैं हम लोग, और ये जो सामने आप देख पा रहे हैं ये है कटरा सिटी, और इसी में रेलवे स्टेशन भी दिख रहा होगा जहाँ से हम पैदल आ रहे हैं सामने से। तो दोस्तों अभी हम लोग काफ़ी ऊपर चढ़ के आप दोबारा इसको थोड़ा सा पहले थोड़ा चाय पानी वगैरह पी लेंगे, देख सकते हो तो ये कैंटीन है, और यहीं बैठे हुए थे थोड़ी हवा हवा ले रहे थे, खुली जगह थे देख सकते हो पीछे। तो थोड़ी हवा पानी ले रहे थे, काफ़ी थकान हो गया यार इस वक्त तो, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ इसलिए। क्या हुआ मैं बोलना कोई सालक मार खाने कितने बोलना तू जा दही खाण पीना ये देखो थैंक यू ब्रे इन्हें सेवा करने ली। हाँ देखो माँ वैष्णो देवी के कैटरिंग से कॉफ़ी 10 रुपये की सिर्फ। तो दोस्तों काफ़ी देर चलने के बाद हम लोग पहुँचे हैं अर्धकुंवारी से, थोड़ा सा आगे आ गए हैं,
और दो रास्ते हैं, एक अर्धकुंवारी से जो रास्ता जाता है वो 6.5 किलोमीटर पड़ता है और एक अर्धकुंवारी के साइड से जो रास्ता जाता है वो 5.5 किलोमीटर पड़ता है। तो हमने 5.5 किलोमीटर वाला रास्ता पकड़ा है अर्धकुंवारी से, और इस रास्ते में एक ये पेप्सी की दुकान आई है 20-20 रुपये वाली, तो बच्चे लेने गए हुए हैं, जबकि मेरा गला ऑलरेडी ख़राब हो चुका है, मैंने स्ट्रिंग टूटी का गला ख़राब कर लिया है। और अगर आप लोग भी आते हैं तो आप लोग को भी मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप अर्धकुंवारी जाना चाहते हैं तो आप 6.5 किलोमीटर वाला रास्ता लें, अर्धकुंवारी स्टे करें फिर जाएं। अगर आप अर्धकुंवारी नहीं जाना चाहते, स्टे नहीं करना चाहते, तो आप 5.5 किलोमीटर वाला रास्ता लें, वापसी में अर्धकुंवारी वाला रास्ता लेके घूमते हुए तो वापसी में करना आसान होता है, चढ़ना मुश्किल होता है, तो हमारे पास इसलिए थोड़ा और ज़्यादा मुश्किल होगा। एंड अभी देखते हैं, हमको हो गया 3 बजे, हम 10 बजे के निकले हुए, 4-5 घंटे से ऊपर हो चुका है, तभी हम नहीं पहुँचे, हमने अकेला था तो 3 घंटे हम पहुँच गया था, और इन चिल्ड्रों के साथ आया तो 5-6 घंटे हो गए, अभी यही नहीं हुआ, अभी कितने घंटे और लगा होगा बेटा, यही 7-8 बजे आ जाएंगे, आज दिन में दर्शन नहीं होगा मेरा, शाम को 10 बजे आ गया अपना, क्या लिखा है मुरिंडा अरे यार तो दोस्तों काफ़ी मेहनत करने के बाद भी 2.5 किलोमीटर बाकी है यहाँ से भवन, और सीरियस होकर बिल्कुल नहीं चढ़ रहा कोई, अभी थोड़ी बहुत पिछले 5 मिनट सीरियस होकर चढ़े हैं, तो 500 मीटर से ज़्यादा चढ़ गए हैं, अभी सीरियस होकर चढ़ रहे हैं थोड़ी देर, क्यों काफ़ी देर से हम चढ़ रहे हैं, बहुत टाइम बर्बाद हो गया बहुत ज़्यादा। तो देखो उड़ता विमान, तो अभी चलते 2.5 किलोमीटर और बाकी है, फटाफट कंप्लीट करते हैं क्योंकि भूख बहुत जोर से लगी है, ऊपर चल के राजमा चावल खाते हैं, 45-45 रुपये प्लेट वाली राजमा चावल 45 रुपये, ये बारे की ख्याल है 45 रुपये प्लेट वाले थे 45 मैं खा रहा था तेरे को मैं खा रहा था 45 रुपए नहीं जेब पे 1000 रुपए है कि 45 का हो तो कुछ सोचूं मैं सोचूं चलो अभी चल रहे हैं, हंसी हो गया, अभी निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों फाइनली हम लोग भवन पहुंचने वाले हैं, 200-300-400 मीटर दूर होंगे, 300 मीटर दूर होंगे मैक्सिमम, और ये लोग चलते ना अभी 2 घंटे बाद और आते, मैं खींच लेके आया इन लोगों को, और खींचा थे कि इन लोगों ने नहीं खींचा, मैं खुद तेज चलना शुरू कर दिया, पर इन लोगों को तो पता है नहीं, पीछे पीछे इन लोगों ने भी भागना शुरू कर दिया, तभी आ गए, मैं ढीला पड़ा था तो ये भी ढीले पड़े हुए थे, वो विटामिन ग्लूकोन डी पिला पिला के सबको खींच के लेके आया ग्रीन वाला ना उतर, चलो पुत्र वाले खुराक नहीं मिली है, कहीं मुँह बनाया हुआ है पुत्र ने, चलो बस भवन पहुँचे पहले, भूख लगी बहुत जोर की, 4500 रुपये वाला राजमा चावल खाए पहले। तो अभी हम लोग आ रहे थे भवन के 4-5 मीटर पहले, और माँ वैष्णो देवी का कैटरिंग जो होता है इसी में हम लोग खा रहे हैं खाना, और वहाँ की राजमा चावल मुझे बहुत पसंद है, जो कि मैं पिछली बार आया था तब भी खाया था, ये देखो ओनली 45 रुपीज़ में, और सबसे प्लस पॉइंट जो होता है ना इसके चम्मच लकड़ के होते हैं बूट के, और ये कागज़ की प्लेट होती है, नुकसानदायक नहीं होती, ये देखो कैसा लगा यहाँ का राजमा चावल छोटू, कैसा लगा राजमा चावल यहाँ, सवेरे वाला बढ़िया था कि ये बढ़िया, सुबह वाला तो हॉट टॉप जी, अच्छा तो भाई साहब का कहना है कि सुबह वाला खाना ज़्यादा अच्छा था, तो जो भी है अभी खाते हैं आप, जो मिल गया मौके पर वही सबसे अच्छा है, खाते आप फिर चलते थोड़ी देर से मार के फिर दर्शन करने के लिए, शाम के टाइम से जब आप पुलिस वाले, तो अभी हम लोग काफ़ी देर के मशक्कत के बाद फाइनली हम भवन की तरफ पहुँच चुके हैं, और ये रहा भवन, और अभी हम चलते हैं, पहले एक चेक पोस्ट आता है भवन का, चेक पोस्ट है
यार सॉरी खांसी हो गया, ठंडा पीने के कारण, गर्म ठंडा होने के कारण। और हमारा चेक पोस्ट का जो सिक्योरिटी थी वो क्लियर हो चुकी है चेकिंग, और अभी हम जा रहे भवन की तरफ लॉकर नंबर 2 में। 1 बहुत दूर पड़ता है भवन से, इसलिए 2 में जा रहे हैं, 2 या 3 में। वहीं पे सामान वगैरह रखेंगे, नहाएंगे वहीं पास में, ये वापस और तब फिर हम आएंगे माता देखने। माता देखने के देन थोड़ा रेस्ट मारेंगे, क्योंकि कल रात को हम सोए नहीं है, बिल्कुल नहीं सोए हैं कल रात से अभी तक। तो अभी हम थोड़ा रेस्ट लेंगे, थोड़ा सारा रात होते ही जहाँ भी कम्बल डालते हैं कम्बल डालते हम सो जाएंगे। और रश काफ़ी है, काफ़ी संख्या में आए हुए हैं श्रद्धालु माथा टेक में, देख सकते हैं। तो कह रहा है यार वहाँ पर भी नहीं, हम ऐसे ही बिन है वो निकल गए। हाँ शुरू कहा। तो दोस्तों अभी हम दर्शन करके आ चुके हैं माता के, आरती होने वाली थी उससे पहले हम दर्शन करके आ गए। गलती ये हो गई है कि हम प्रसाद नहीं लेके गए हैं, और तो अभी हम जा रहे हैं भैरव बाबा के आज के दिन में ही दर्शन करने, क्योंकि प्लान बड़ी तेजी से उठी, दूसरा प्लान रन कर रहा बहुत तेजी से। और ये इवनिंग का यहाँ शाम है, आप देख सकते हो इवनिंग का यहाँ का, और बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आए हुए हैं। ये देखो सब भैरव बाबा को जा रहे हैं, दोस्तों अभी हम लोग जैसा कि मैंने बताया हम लोग जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन कर रहे हैं आज ही, क्योंकि शायद प्लान इतना तेज़ी से बना हुआ था यहाँ का, शायद रातों रात निकल जाएगा ट्रेन होगी तो, नहीं होगी तो स्टॉपेज लेंगे, नहीं तो सीधा केदारनाथ। ट्रेन भी लंबी ना छोड़ चलो तो अभी चलते 2 किलोमीटर सीट अगर धड़धड़ मिलते रहे ना स्लीपर का तो वहाँ तो निकाल दूंगा केदारनाथ। केदारनाथ नहीं ऋषिकेश पर चाहिए, ऋषिकेश में मार दूंगा, मेन बात है ना खड़े होकर जाना बड़ा औखा हो रहा है। हाँ वो तो है। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं पौड़िया चढ़ने के लिए, प्लेन रास्ता छोड़ के लोग पौड़िया चढ़ने आए हैं, तो अभी इन लोगों को पता लग गया प्लेन रास्ते से पौड़ियों पर चढ़ने का नतीजा क्या होता है, पता मुझे भी लग रहा है। और भैरव स्थान जाने के लिए आप एक आपके लिए एक और ज़रूरी बात है कि आप ये अगर आप उसके जा नहीं सकते, अगर अपने चल के किसी दिक्कत की वजह से, तो आप इससे जा सकते हैं, इसको ना इसका नाम मेरे को नहीं पता बट इससे आप जा सकते हो, और इन व्हाट द नेम इट इज। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं टॉप पे, तो भैरव बाबा के स्थान पे आ चुके हैं, और यहाँ एक सनसेट व्यू पॉइंट है, आप देख सकते हो पीछे सनसेट, एक मिनट, और सनसेट व्यू पॉइंट है, तो यहाँ थोड़ा सा भीड़ है, पता तो लगे इतनी मेहनत की है, पैसा बर्बाद नहीं करना। तो ये श्रद्धालु जो कि दर्शन करने के लिए खड़े हैं आरती के बाद, तो अभी लाइन खुल चुकी है और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और ये बच्चे लोग बड़े ढीले हैं यार, ये लोग कहीं जाने आने में। तो ये हमारी चाय स्पेशल चाय ना, 7 रुपए वाली आलू गोभी की सब्जी बा। तो दोस्तों अभी हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं भैरव बाबा का, और वहाँ से बाबा की भगूति भी उठाई हमने, मेरे को पता नहीं है क्यों लेते हैं क्या लेते हैं, एक मिनट रुक जा वीडियो बना रहा हूँ शांति रख, तो मुझे नहीं पता है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, प्लस जो भी नोटिफिकेशन आएगी पहले देखो और शेयर जरूर करना। तो और फिर बना ले तू बना ले, इसका टाइमिंग इतना गंदा है ना माँ कसम, जब बनाता हूँ तभी ये बनाने बैठता है कसम से, तेरे सामने इससे पहले भी तभी मैं मुंह बना रहा था, ये देखा मेरे को और मैं बंद कर दिया अपना आधे पे, इतनी गंदी टाइमिंग है ना करण की, जब वीडियो में बनाता हूँ ना तुरंत वो भी खुल के बैठ जाएगा। ये देखो अब देखो हाथ जोड़ रहा है। तो गाइस मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करना, उसके बाद भैया को एक के साथ दो। तो अभी चाय पीते हैं, चाय पी के देखते हैं क्या खाना पीना है, फालतू की बात इग्नोर करो। चल मस्त।
तो दोस्तों आज के दिन में हम छोड़ के जा रहे हैं माँ वैष्णो देवी का दरबार, क्योंकि सोच रहे निकल रहे यार, कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा, कहीं कुछ मिल नहीं रहा है। देखते हैं खाना पहले खाते हैं, फोन चार्ज करते हैं, फिर चलते हैं। रस आप देख सकते हो कितना सारा बहुत सारे। तो दोस्तों रात का जो हमारा डिनर था वो भी लंच की तरह सेम ही था, राजमा चावल माय फेवरेट, राजमा चावल माँ वैष्णो देवी कैटरिंग से 45 रुपये का एकदम मस्त पेट भर के एक प्लेट में। और यहाँ क्राउड बहुत सारा है इसलिए मेरी आवाज़ शायद ब्रेक हो रही हो, पर मैं बहुत चीखे बोल रहा हूँ। तारीफ चाहिए बाबूजी को। अच्छा के गया 200 का नोट लेके 180 रुपये का बिल बना, 60 रुपये वापस कर दिया इसको, तो ये भी गया 40 रुपये मोड़ के आया उसको, तो वाह वाह करके भेजा उतने में खुश, और ऊपर से खाना बेकार दे के भेज दिया फिर गालियाँ देना 200 तो ऊपर हमारी कोई सेटिंग नहीं मिली, मतलब कोई डोरमेट्री वगैरह अवेलेबल नहीं था क्योंकि हम 10 बजे के बाद गए थे। डोरमेट्री ऊपर बहुत सस्ते हैं यार, आप लोग ले सकते हो, फ्री अकोमोडेशन फ्री में भी आपको मिल जाएगा, और आप खोजना पड़ेगा आपको लोकेशन एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है कि मैं आपको बता दूँ। और डोरमेट्री वगैरह 120-140 में मिल जाते हैं। तो अभी तो हम लोग फुल स्पीड में एकदम नीचे जा रहे हैं, एकदम धड़ाधड़ भागते जा रहे हैं, टक्कर में कोई नहीं है सिर्फ इसके अलावा है कोई टक्कर में टक्कर में थारा भाई। तो दोस्तों 2 बज गए और काफ़ी चलने के बाद बहुत नीचे आ गए हैं, और ये लोग थक गए बिल्कुल, फुल बॉडी मसाज ले गए हैं। तो अभी हमने थोड़ा सा परचेजिंग वगैरह की, प्रसाद वगैरह थोड़ा ख़रीदा है, और मैंने एक कड़ा लिया, मेरे पास पहले था पर वो छोटा था, मैंने नया लिया है, और चाय वगैरह पी रहे, थोड़ा थकान बहुत हो गई, सोए नहीं, 2 रात हो गए सोया नहीं हुआ, पिछली बार वैष्णो देवी आया तब भी 2 रात हो गई थी। और ये फुट मसाज के लिए है, और चेयर डिज़ाइन की हुई है, गर्दनेक मसाज बाकी एवरीथिंग, और सिर्फ ओनली फुट मसाज 30 रुपये में 15 मिनट और 50 रुपये में 15 मिनट फुल बॉडी मसाज। तो आप भी अगर यहाँ आए ज़्यादा थकान लगे तो आप ले सकते हैं मसाज। तो अभी मैं भी मसाज ले रहा हूँ थोड़ा सा, कोई फुल बॉडी हुई है। हाँ हाँ मजा आ रहा है भाई।